वैसे तो आपने आम पापड़ की कई सारी रेसिपीज़ देखी होगी और आप खुद भी घर पर आम पापड़ बनाते होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आम पापड़ बिल्कुल 100% मार्केट स्टाइल और परफेक्ट बने, यानी कि वह बराबर मात्रा में मीठा हो, बराबर मात्रा में खट्टा हो, और आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट और शाइनी आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है, इसमें मैंने कोई भी कलर भी नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आम पापड़ आपका बने, साथ ही में वो बिल्कुल चिपचिपा ना हो और उसे आप एक साल तक पूरा स्टोर करके रख सके, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आम पापड़ सही बनते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर सही नहीं बनते हैं तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आम पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी आम ले सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम आम लिए हैं, और आप बहुत ज़्यादा पके हुए आम नहीं लें, यानी कि नॉर्मल पके हुए आम लें, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इस तरह से आप इनका छिलका हटा लें। अगर आप नाइफ़ से इनका छिलका हटाते हैं तो उसमें पल्प थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आप पीलर की सहायता से इनका छिलका हटाएं। मैंने यहाँ 1 किलो 250 ग्राम आम लिए हैं। अगर आप आम की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो उस अकॉर्डिंग बाकी सामग्री भी कम या ज़्यादा कर लें। अब हम आम को चॉप करेंगे। तो इस तरह हम सभी आम को रफली चॉप कर लेंगे और इन्हें एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। ध्यान रखिए आप आम में बिल्कुल भी पानी नहीं डालें। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ताकि इसका थिक पेस्ट बन जाए। तो इस तरह इसका पेस्ट बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बनेगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमें इसे कुक करना है, और एक सीव लेंगे ताकि हम इसे छान सकें। वैसे तो ये काफ़ी स्मूथ पेस्ट बना है, यानी कि अगर हम इसे नहीं छाने तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल परफेक्ट आम पापड़ बने, तो उसके लिए आप इसे ज़रूर एक बार छान लें, ताकि अगर इसमें कोई लंप हो या कोई रेशा हो तो वह छलनी से हट जाए। तो इस तरह हम इसे छान कर निकाल लेंगे। जो रेशे निकले हैं उन्हें हम हटा देंगे, और अब इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर का नाप आप ऐसे करें कि अगर आप 1 किलो आम लेते हैं तो उसमें 1 कप शक्कर डालें, और मैंने यहाँ 1 किलो प्लस 1/4 यानी कि 250 ग्राम आम लिए हैं, तो हम इसमें 1 कप प्लस 1/4 कप शुगर डालेंगे। कप का साइज़ 200 ग्राम है, यानी कि टोटल मैंने 250 ग्राम शक्कर डाली है। अब हम इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अप्रोक्स 3 से 4 मिनट्स में आप देखेंगे इसमें हल्का सा उबाल आने लगेगा, यानी कि यह इस तरह से उबलने लगेगा, और इसी समय आप इसे लीड से कवर कर लें। अगर आप इस पर ढक्कन नहीं लगाते हैं तो इसके छींटे सभी तरफ निकलेंगे। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैंगो प्यूरी के छींटे पूरे ढक्कन पर लग गए हैं, यानी कि अगर हम ढक्कन नहीं लगाते तो ये छींटे हम पर या गैस पर भी आ सकते हैं। तो इस तरह आप हर 1-2 मिनट में इसे ढक्कन हटाइए और इस तरह से मिक्स करते हुए चलाते रहें। किनारों पर जो भी मैंगो प्यूरी लगी हो उसे आप मिक्स करते रहें ताकि लम्स ना बने। इसे कुक होने में टोटल 12 टू 15 मिनट लगेगा। अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो समय भी उस अनुसार कम या ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे ताकि इसमें परफेक्ट खटास हो और आम पापड़ भी सॉफ्ट बने, उनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आए। मैंगो प्यूरी को कुक होते हुए टोटल 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड हटा देंगे। एक बार इसे फिर से मिक्स करेंगे और अब इसमें नींबू का रस डालेंगे। अप्रोक्स 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर और कुक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इस पर हल्की सी शाइनिंग आ गई है, और अगर आपको वो समझ ना आए तो आप इसे चेक करें कि ये बन गया है या नहीं, यानी कि ये आम पापड़ के लिए बराबर कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो उसके लिए आप स्पून में हल्का सा मैंगो प्यूरी लें और इस तरह उसे उंगली और अंगूठे के बीच में रख कर देखें। अगर इस तरह का एक तार बन रहा हो इट मीन्स ये परफेक्टली कुक हो चुकी है, और अब ये आम पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और जिस थाली या प्लेट में हमें इसे फैलाना है उसे आप घी से हल्का सा ग्रीस करें। मैंने यहाँ 1 बड़ी थाली और 2 छोटी थाली ली हैं। अब हम तैयार मैंगो पल्प को इस तरह से थाली में डालकर फैलाएंगे।
इसे फैलाने के लिए हमें किसी भी चम्मच या नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपका पल्प बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुआ है तो जब आप थाली को इस तरह से घुमाएंगे तो वह अपने आप फैलेगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपने आप फैल रहा है, यानी कि ये बहुत ही परफेक्ट बना है। तो इस तरह हम सभी थालियों में आम पापड़ को फैला देंगे। तो इस तरह मैंने एक बड़ी प्लेट और एक रेगुलर प्लेट में आम पापड़ सेट होने के लिए रखा है। थर्ड प्लेट में मैं चटपटा आम पापड़ यानी कि थोड़ा मसालेदार आम पापड़ बनाऊंगी। उसके लिए आप बचे हुए पल्प में थोड़ा मिर्ची पाउडर, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा जीरा पाउडर डालकर मिक्स करें। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करें और ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसे पोर कर देंगे। अब इसे अच्छे से आप स्प्रेड करें, यानी कि थाली को इस तरह हल्का सा घुमाएं ताकि यह पल्प अच्छे से फैल जाए। ये प्रोसेस आपको तभी करनी है जब आम पापड़ का पल्प हल्का सा गर्म हो, यानी कि ठंडा होने के बाद यह अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। अब हम तैयार थाली को 2 दिन के लिए अलग रख देंगे ताकि वह सेट हो जाए। अगर आपके घर में धूप आती हो तो आप उसमें रखें, और अगर धूप ना आती हो तो आप इसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा धूप नहीं आती इसलिए मैंने इसे फ़ैन के नीचे ही सुखाया, लेकिन जब शाम को हल्की सी धूप आई तो मैंने इसे हाफ एन आवर के लिए धूप में भी रखा है। तो अगर आपको धूप कन्वीनियंट हो तो आप उसमें रखें, वरना आप इसे फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। 2 दिन के बाद मैंने जब थाली को कट करने के लिया तो पहले इस तरह से चेक किया, यानी कि ये अच्छे से सूख चुका था। तो मैंने एक नाइफ़ लेकर इस तरह किनारों में इसे घुमाया। आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे ही मैं नाइफ़ को घुमा रही हूँ तो आम पापड़ बहुत ही आसानी से निकल रहा है। यानी कि अगर आपने थाली को अच्छे से ग्रीस किया तो आम पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, और अगर आपने पल्प को परफेक्टली तैयार किया तो आम पापड़ निकालते टाइम बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ना ही चिपचिपा रहेगा। आप देख सकते हैं ये आम पापड़ बहुत ही परफेक्टली निकल रहा है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और शाइनी भी। तो यही निशानी है कि आपका आम पापड़ बहुत ही परफेक्ट बना है। तो अब बेफिक्र होकर आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। अब हम इसे कट करेंगे, उसके लिए आप एक नाइफ़ लें और पहले इस तरह से इसके किनारों को कट कर लें ताकि ये परफेक्ट शेप में कट हो जाए। डोंट वरी, हम किनारों को फेंकेंगे नहीं, किनारों का हम रोल बनाएंगे, और अगर आम पापड़ परफेक्ट और सॉफ्ट बनेंगे तो ही इस तरह से उनका रोल बन पाएगा। रोल दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छा लगेगा कि आम पापड़ रोल बनाए हैं हमने। तो इस तरह से आप इनके रोल बनाएं, देखिए कितने सुंदर रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से सभी किनारों का मैं रोल बना लूँगी और बाकी को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। 3 स्ट्रिप्स है तो मैं यहाँ रोल्स बना रही हूँ, और बाकी बची हुई 2 स्ट्रिप्स से मैं एक अलग शेप बनाऊँगी। यानी कि जैसा मार्केट में आम पापड़ कैंडी मिलती है हम इसे वैसा शेप देंगे। तो इस तरह आप इसे हल्का सा घुमाते हुए पहले रोल बना लें, या आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही रखें बिना रोल या बिना कैंडी के तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखिए कितने सुंदर और परफेक्ट रोल बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप कम से कम एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। रिमेनिंग आम पापड़ को हम इस तरह से कट कर आम कैंडी बनाएंगे जो मार्केट में मिलती हैं। तो इस तरह से आप इसे स्ट्रिप में कट करके फिर फोल्ड करें। देखिए बहुत ही सुंदर और परफेक्ट कैंडी बनी है। इस तरह आप इन्हें हल्का सा प्रेस करते हुए चिपकाएं ताकि लेयर्स भी रहे और कैंडी का परफेक्ट शेप आ जाए। आप चाहे तो इन्हें पैक कर गिफ्ट भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये। और अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो एयरटाइट कंटेनर में डाल कर रखें। तो इस तरह आम पापड़ बनकर तैयार होता है। बाकी प्लेट से भी हम आम पापड़ निकाल लेंगे। तो इस तरह आप नाइफ़ को घुमाते हुए आम पापड़ को निकालें। ये मसाला आम पापड़ है इसलिए इसका कलर हल्का सा डार्क आया है। मसाला आम पापड़ भी बिना टूटे बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल चुका है, यानी कि ये भी बहुत ही परफेक्ट बना है, काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हमारे 100% परफेक्ट मार्केट स्टाइल आम पापड़ बनकर तैयार होते हैं। अब जल्दी से आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिए, और आपका जो भी फीडबैक रहता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका फीडबैक ही मेरा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आप चाहे तो इन आम पापड़ को रोल के शेप में कट करें, चाहे तो कैंडी के शेप में, या चाहे तो ऐसे ही रखें।
आप जिस तरह से चाहे इन्हें कट कर कर यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और आप इन्हें स्टोर कर कर 8 से 10 महीने तक रख सकते हैं। बस ध्यान रखें इन पर पानी का हाथ न लगे, और अगर वेदर ज़्यादा ह्यूमिड हो तो आप इन्हें फ्रीज में रख कर यूज़ करें।